दोस्तों अगर आप प्रिंटर लेना चाहते हैं तो एचपी का तो कभी भी भूल करके भी मत लीजिए, क्योंकि एचपी का ये जो मॉडल है वो काफी मतलब मुझे इतना मतलब खराब इसका रिस्पांस मुझे मिल रहा है कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये प्रिंटर लेने के लिए। अगर आपको लेना ही है तो एप्सन का लीजिए। एप्सन का मतलब मेरा पर्सनल रिव्यू है कि एप्सन का काफी अच्छा प्रिंटर होता है, चाहे वो फोटो प्रिंटर हो या फिर जेरोक्स वाला प्रिंटर हो या स्कैनर हो या मल्टी प्रिंटर हो, कोई भी प्रिंटर हो, लेकिन आप लीजिए तो एप्सन का ही प्रिंटर लीजिए, क्योंकि ये प्रिंटर जो है बहुत ही मतलब मुझे धोखा दिया है हर काम के टाइम में। मतलब अगर आपका एक नॉर्मल ऑफिस यूज है, छोटा मोटा कभी कभी एक दो प्रिंट निकालना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए सोच रहे हैं कि ये वाला प्रिंटर ले लें, तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर ये एक साथ इतना आप 10-15-20 प्रिंटर अगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका जो प्रिंटर है वो काम करना बंद कर देगा, एकदम स्लो हो जाएगा, कस्टमर खड़ा रहेगा और आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, कस्टमर आपको चार बात सुनाएगा, तो मतलब काफी मतलब बैड इंपैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस के लिए। इसीलिए आप बिजनेस के लिए तो ये प्रिंटर आप कभी भी भूल करके मत लेना। तो इसका दिक्कत अभी क्या आ रहा है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रिंटर आपको लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे पहला दिक्कत कि ये प्रिंटर जब भी आप 10 प्रिंट, सिर्फ 10 ही प्रिंट आप मार लीजिए ना, एक साथ अगर 10 प्रिंट मार लेते हैं तो उसके बाद आपका प्रिंटर जो है वो स्लो हो जाता है, सांस लेने लगता है, मतलब थोड़ा सा वो एडजस्ट करने लगेगा, इधर 5 मिनट तक एडजस्ट करता रहेगा, जब तक कस्टमर तो खड़ा नहीं रहेगा, कस्टमर भड़क जाएगा, बोलेगा हमको जल्दी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमर का बात सुनना पड़ जाएगा ऐसे ऐसे प्रिंटर के वजह से। मैं आज इससे मतलब इतना डीमोटिवेटेड हो गया हूँ कि मतलब एकदम देखने में अच्छा लग रहा है, वाईफाई प्रिंटर है, एचपी का है, काफी मतलब शुरू में जब हम लिए थे तो बहुत अच्छा लगा था कि इससे मतलब मेरा सारा काम हो जाएगा, इन्वर्टर से चल जाता है, वोल्टेज इसका मतलब वोल्टेज कम है, 5 मॉडल नंबर इसका 516 है, एचपी स्मार्ट टेक 516 मॉडल नंबर है इसका, और वाईफाई से है, कलर प्रिंट है, सारा कुछ है, लेकिन जब आपका काम ही नहीं होगा तो फिर ये सब वाईफाई और ये सब लेकर के क्या फायदा है। आप जेरोक्स भी कीजिएगा तो मैं लास्ट नाइट मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। दूसरा चीज की अगर थोड़ा सा गर्मी का मौसम रह गया या फिर नमी आ गया थोड़ा सा मौसम में, तो पेपर जो है वो एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो दूसरे प्रिंटर सब मैं ले लेता है, लेकिन इस प्रिंटर में खराबी क्या है कि एकदम वो खींचेगा नहीं, पेपर फंसने लगेगा, यहाँ पे अटक जाएगा, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा, इधर से खोलो इस तरह से ऐसे खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद इसको खोलना पड़ता है, उसके बाद आधा पेपर इधर फंसा हुआ रहेगा, इधर से निकालना पड़ेगा, और आधा पेपर जो है इधर फंसा रहेगा, इधर से निकालना पड़ेगा, मतलब बहुत काफी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है आपको अगर पेपर फंस जाता है तो। और दूसरा दिक्कत ये होता है कि जब भी आप पेपर यहाँ पर डालेंगे तो एक तो सही से इसमें मतलब यहाँ पर इस तरह से पेपर डाला और आसानी से लग जाए ऐसा नहीं होता है, मतलब हमेशा इसके अंदर जो रोलर लगा हुआ है उसका जो रोलर है वो ऊपर की तरफ रहता है या पता नहीं क्या रहता है, मतलब कभी पेपर आप डालिएगा जैसे पेपर खत्म हो गया तो उसको आपको डालना है तो ऊपर में ही फंसा हुआ रह जाता है, सही जगह पे अपने जाकर के एडजस्ट नहीं होता है। और एप्सन के प्रिंटर में क्या होता है कि आसानी से आप रख दीजिए पेपर को, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसमें जाएगा तो ये इतना पर ही अटक जाएगा, ऊपर में ही अटक जाएगा, वो जाएगा नहीं, बार बार ऐसे ऐसे करेंगे तब जाकर के वो अपना जगह पर जाएगा। तो एक दिक्कत ये भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक प्रिंट मारेंगे तो इसमें से 4 पेपर निकल करके बाहर आ जाएगा, मतलब एक में आधा प्रिंट हो जाएगा, एक में पूरा प्रिंट हो जाएगा, उसका भी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके चक्कर में कितना पेपर वेस्टेज होता है, देखिए मेरा डेली का पेपर का वेस्टेज, मतलब कि आप जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा तो आप वेस्टेज कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा है, कभी पेपर फंस करके ये सब पेपर खराब हो गया, ये सब पेपर खराब हो गया, देखिए ये सब ऐसे ऐसा खराब हो गया। दूसरा चीज और दिखाता हूँ, देखिए आधा आधार कार्ड इधर प्रिंट हुआ और आधा दूसरे में आधा इसमें हुआ और आधा जो इसके बाद वाला जो पेपर था उसमें ले लिया, आधा उसमें प्रिंट हो गया, आधा इसमें प्रिंट हो गया, तो ये सब दिक्कत इसके अंदर आता है। देखिए यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड आधा इधर प्रिंट हुआ है, आधा उसका यहाँ हुआ और इसका जो आधा बचा वो दूसरे पेपर में इस तरह से प्रिंट हो गया इधर में, तो ये सारा दिक्कत इसमें आता है, देखिए कितना पेपर वेस्टेज होता है। तो आपको ये चीज नहीं करना है, ये प्रिंटर को गलती से भी अपने बिजनेस के लिए नहीं लेना है। दूसरा चीज क्या दिक्कत आ रहा था कि हम जब भी इसमें जेरोक्स कर रहे हैं तो पेपर जो है थोड़ा सा हल्का सा प्रिंट करके उसके बाद प्लेन पेपर वापस बाहर निकल जा रहा है, प्लेन कुछ भी जेरोक्स नहीं हो रहा है। कम से कम हम 10 बार ट्राई किए, 10 बार में भी 10 बार सेम प्रॉब्लम हो रहा है, तो
ऑन ऑफ कर ऑफ करके ऑन भी कर रहे हैं तब भी वही चीज हो रहा है। मतलब हमको लगता है कि इसके अंदर हीट वीट का कुछ प्रॉब्लम है, हीट हो जाता है गर्मी के कारण, मौसम में नमी के कारण, और वो सारा चीज खराब हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम तो ये आ रहा है। दूसरा चीज, अगर आप मान के चलिए कि कस्टमर आपके सामने खड़ा है और उसको एक ही सिर्फ दो पीस जेरोक्स करना है, तो एक एक जेरोक्स लेकर के आप उसी के पीछे अगर आप लगे रहेंगे तो कस्टमर क्या बोलेगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वाईफाई से भी प्रिंट मारते हैं तो कभी शो करता है, कभी नहीं शो करता है, कभी फिर से चेंज प्रिंटर ये वो करके, मतलब काफी इरिटेट हो गया हूँ मैं इस प्रिंटर से। तो मुझे अब ये प्रिंटर या तो बेच देंगे या फिर तोड़ करके फेंक देंगे, हमको नया प्रिंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है कि आपका मशीन स्लो हो जाता है, पूरा स्लो हो जाता है एकदम, मतलब कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, तो मेरा वही रिकमेंडेशन है कि मैं सिर्फ ये रिकमेंड करने के लिए आप ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ये प्रिंटर अपने बिजनेस यूज के लिए बिल्कुल भी मत लेना। अगर जेरोक्स के लिए लेना है, अगर आपके लिए आपके एरिया में लाइट का दिक्कत नहीं होता है, तो आप लेजर प्रिंटर ले सकते हैं। लेजर प्रिंटर काफी अच्छा होता है, जैसे मैं ब्रदर का प्रिंटर यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा प्रिंटर है, ड्यूप्लेक्स है, ऑटो ड्यूप्लेक्स प्रिंटर है। और ये ऑटो ड्यूप्लेक्स का मतलब हो गया कि दोनों साइड ऑटोमेटिक प्रिंट कर देता है एक साथ में, आपको बार बार पेज पलट के लगाना नहीं पड़ता है, सिर्फ स्कैन करने टाइम पे लगाना पड़ता है। और ये एप्सन का मेरा फोटो प्रिंटर है, ये भी काफी अच्छा है, एप्सन का L805 है, तो काफी अच्छा प्रिंटर है। तो ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंटर आप बिल्कुल भी मत लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये प्रिंटर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है नहीं लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ दिन अच्छा चलेगा, उसके बाद जब अभी ज्यादा नहीं हुआ है, अभी देखिए देखने में अभी आपको एकदम न्यू लुक लग रहा हो, कोई दिक्कत लग रहा है, एकदम साफ सुथरा नया है, मतलब 1 से 1.5 साल हुआ है इसको लिए हुए और ये अपना रंग दिखा रहा है, तो क्या इरिटेट नहीं होगा आदमी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की टेक्निकल चीजों की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इसी तरह की टेक्निकल चीजें बताते रहते हैं। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।